नमस्कार भैया बहनों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं से हम लोग सुभाषितानी पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुभाषितानी सु माने अच्छे, भाषित माने कहे हुए, अच्छी बातें कही हुई, अच्छे वचन कहे हुए, जो भी हमारे ऋषि महर्षियों ने कहे हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने 10 श्लोक पढ़े हैं, जिनमें से हमने 6 का हिंदी अर्थ पढ़ा है और 4 हमने मूल श्लोक केवल संस्कृत में हमने पढ़े थे। तो उसी पाठ का अभ्यास कार्य हम पिछली कक्षाओं से प्रारंभ कर चुके थे, प्रश्नोत्तर हमने किए हैं। आज हम इसी का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है, आप देख रहे हैं, उचित पदहि पंक्तिम पूरयतु, उचित शब्दों से पंक्ति को पूरा कीजिए। यानी यहाँ क्या है कि आप देख रहे हैं, हर एक पंक्ति में, हर एक लाइन में बीच में कुछ शब्द हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो वो शब्द आपकी पुस्तक में नहीं है, वो आपको यहाँ पे फिल करने, एक तरीके से ये रिक्त स्थान की तरह है, जैसे खाली स्थान हम भरते हैं। तो जो सही शब्द है उनसे जो है वो पंक्ति पूरी करनी है, लाइन कंप्लीट करनी है हमको, है ना। तो पहला है अति निद्रा, इस श्लोक में आपने पढ़ा था, तो अति निद्रा और वहां दिया गया है वर्जयेत, ठीक है। तो इसमें आएगा अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी हस्य वर्जयेत। तो इस प्रकार जो है श्लोक आपने पढ़ा था, काम क्रोधम स्वाद श्रृंगार कौतुके, इस प्रकार जो आपने श्लोक पढ़ा था, तो उसी का दूसरी, उसी की दूसरी पंक्ति है ये। तो हमने इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमने फिल किया है, अति सेवे च और विद्यार्थी हस्त। तो ये पहला हुआ। दूसरा है सदयम हृदयम सत्यम भूषितम, ये आपकी पुस्तक में है, बीच का ये स्पेस खाली था, तो यहाँ पे आएगा यस्य भाषितम। तो क्या बनेगा, सदयम हृदयम यस्य भाषितम सत्य भूषितम, इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। तीसरा है फलान्यपि सत्पुरुषः इव, श्लोक आपने पढ़ा था, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और उसी की दूसरी पंक्ति थी फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषः इव। बीच का जो है ये पार्ट ये हमने फिल किया है यहाँ पे, पूरा जो बनाए पंक्ति कंप्लीट करने के बाद, फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। फिर है चौथा, ये इस पार्ट में जो है पहला ही प्रश्न है, पहला श्लोक है, न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति यहाँ पे दी गई है, न त्वं न पुनर्भवं, ये बीच का पार्ट हमने इसको फिल किया है। यहाँ क्या है, कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, तो कंप्लीट लाइन क्या बनी, न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, इस प्रकार। फिर जो अंतिम है वो ये है, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, यहाँ पे अक्षीणो और हतो हतः लिखा हुआ था, पहले से आप पुस्तक में भी देख रहे होंगे। ये जो बीच का पार्ट है ये हमने फिल किया, वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, ये चरित्र से संबंधित ये श्लोक था कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, तो ये श्लोक हमने पढ़ा था, तो वहां पे है ये अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। इस प्रकार भैया बहनों ये जो है इनमें लाइन कंप्लीट करनी है, एक तरीके से फिलअप का क्वेश्चन है ये। तो ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसे याद करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है, अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, प्रश्नोत्तर बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको श्लोक याद होगा, प्रश्नोत्तर जो है वो भी श्लोक में से लिए गए हैं, और ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है फिलअप वाला ये भी श्लोक ही है। अगर श्लोक कंप्लीट याद कर लिए तो इन्हें भी फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हें लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।